भाई भाई इनमें नहीं है इमरान हाशमी नहीं गेम मारे गेम मारे गेम मारे की घर में आ जाता है मोबाइल दे भाई थी ओ यार प्रेशर नहीं है इनका प्रेशर नहीं रहा 500 रुपया भी खर्चा यार प्रेशर भी नहीं लिया 5 रुपए दियो मेनू गुब्बारा लाके थानू ऐसा पैसा बना के दवांगा अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग देख करते हैं शुरू में करता हूँ आप सब लोग होंगे ठीक। जैसा कि यार आज ईद का दिन है और सबसे पहले आपका भाई तैयार शहर होकर खड़ा हुआ क्योंकि सबसे छोटा हूँ मैं तो सबसे पहले तैयार होना पड़ता है मुझे और मैंने भाई जाना भी जल्दी वाली मस्जिद में। और यार मैं बताता चलो ईद की नमाज से पहले आप लोगों ने कुछ मीठा खा के जाना चाहिए यार पीछे से शुरुआत करनी चाहिए कुछ मीठा खाते हैं और फिर चलते हैं जल्दी से निकलते हैं। नहीं जी ईद का दिन और ईद की शुरुआत भाई हमें मीठे से करनी पड़ती है लेकिन मेरे से पहले भाई भाईजान बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम भाईजान। आप तो सबसे पहले आके भाई मीठा शीठा खा रहे हो। मैंने अभी नमाज से पहले मीठा खा के जाना चाहिए इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ जल्दी जल्दी खाओ नमाज खड़ी होने वाली है। हाँ वो तो आपकी ठीक है लेकिन आपने मेरा इंतजार भी नहीं किया यार मैं अभी इंटरव्यू कर रहा था आपने भाई नीचे से सारा कुछ मीठा बहुत ही ज्यादा जल्दी शुरू कर दिया। नहीं होता आप चुप करके सेवियां खाओ और निकलने वाली बात करो। अच्छा फिर मैं भी यार फिर दो स्पून ले लेता हूँ भाई जल्दी से थोड़ी थोड़ी सी चेक कर लेते हैं फिर निकलते हैं। यार ये मैं कम नहीं खाता हूँ मीठा वैसे तो मीठा कम खाना चाहिए यार आप भी खाएं लेकिन खुशी का दिन है आप लोग भी खाएं लेकिन मीठा थोड़ा सा कम खाना चाहिए। तो भाई हम जा रहे हैं जी नमाज पढ़ने के लिए। तो यार मौसम चेक करें यार अभी मौसम कमाल देखे यार बादल चेक करें भाई। वैसे तो यार हमारे घर के करीब ही हैं दोनों मस्जिद और ये वाली जो से मस्जिद आप जिधर हम जा रहे हैं इधर मैंने सोचा था यार जल्दी नमाज है तो जल्दी पढ़ लेंगे 7:30 बजे नमाज होनी है इधर और दूसरी मस्जिद में हमारी होनी थी वो 8 बज के कोई वो 7:45 पर तो वो थोड़ा सा लेट हो रही थी मैंने सोचा यार इधर पढ़ेंगे नमाज। वैसे इस बार फर्स्ट टाइम है कि हम लोग सबसे पहले तैयार हो गए ना नमाज पढ़ने के लिए। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ क्योंकि हर बार हम लेट ही होते हैं इस बार माशाल्लाह हमने बहुत जिद्दोजहद के साथ पहले उठे हैं और पहले जा रहे हैं नमाज इस बार तो भैया हम तो 20 से 25 मिनट पहले जा रहे हैं ऐसे ही भाई वगैरह और अबू वगैरह उधर ही पढ़ेंगे। हाँ भाई और अबू भाई पढ़ेंगे दूसरी मस्जिद में हम दोनों नेक बंदे पढ़ेंगे भाई इस मस्जिद में क्योंकि जिधर जिधर जाएंगे भाई हमारी बरकतें भी जाएंगी ना साथ साथ नेक लोग जाने चाहिए यार नेक लोग हम जाएंगे तो भैया लोग दूसरे लोगों के अंदर नेकी का जज्बा क्या कहते हैं यार उसे उभरेगा तो मस्जिद आ गई अभी। मजान मुझसे नहीं मिलनी ईद मुबारक भाई मुझे बोल रहे हैं भाई ईद वाले दिन जूती अपनी अपनी पहन के जाना यार अपनी अपनी पहन के जाएंगे हमको सा जुमा पढ़ने आए हैं जुम्मे वाले पढ़ ऐसे काम करते होते हैं हम नहीं करते भाई जान। यार शुक्र है मेरी तो काम नहीं है ईद की नमाज़ पढ़कर भाई सब लोग घर जा रहे हैं और मैं भी घर ही जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने ईद की मिली लेकिन मैं गया था भाई दोस्त नहीं नज़र आया मुझे दोस्त भाई गायब भी हो गया हुआ है आज जी। माशाल्लाह यार आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक खैर मुबारक। असल में आपको ईद का मतलब भी पता है कि अभी बस नमाज पढ़ने चले गए यार पता होता तो हम नमाज पढ़ने जाते हैं ना यार। ये ईद आती है रमज़ान के बाद तोहफा अल्लाह की तरफ से तो जैसे हम एक बच्चा पास होता है एग्जाम देता है तो वो रिजल्ट अनाउंस होते हैं ना उसके
ये समझ लें कि हमारे रिजल्ट अनाउंस हुए अल्लाह ताला के सामने ना, हमारे रिजल्ट कार्ड आ गए हैं। तो अल्लाह ताला ने अब पास करना कि फेल करना वो अल्लाह की मर्जी है। सामने रखे हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया कि जब मौसम प्यारा हो गया ना तो इसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरे तो कोर ओहदे कबूल कर लिए है। इहदा मतलब फिर मैं ते जन्नती हो गया जे, तुहाडा मैनू पता कोई नहीं। इहदा मतलब मैं ते फिर पक्का जन्नती हो गया भाई। हां अल्लाह ताला से क्या लेने का मतलब? इनाम लेने का। इनाम लेने का? आपने ले लिया? मैंने ले लिया। अगर आपने नहीं लिया तो जल्दी से जाएं और इनाम लेके आए अल्लाह ताला। लेकिन वो इनाम हमें मिलेगा उस सूरत में आप लोग हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मिलेगा। देखो जी, सब्सक्राइब करेंगे तो मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करो और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। ले जी, अभी तो हम घर पहुंच गए हैं। घर में घर वालों, वो तो यार अभी वो तो अभी पीछे हुए। हम लोग भाई जल्दी वाली नमाज पढ़ के आए हैं, हम लोग जल्दी वाली नमाज पढ़ के आए हैं। तो अभी वो घर वाले जो से भाई वगैरह दूसरे वो अभी आएंगे तो फिर ही उनके साथ ही मिलेंगे भाई यार। हाँ तो फिर भाईजान क्या सीन सीन है? सीन सीन यही है कि यार कोई रोटी शोटी पाड़ते हैं, नाश्ता वाश्ता करते हैं। क्या गर्मी करना कि बाहर चलें? देखते हैं अभी, थोड़ा नींद शीन पूरी कर लें फिर जाते हैं बाहर। नींद शीन यार मुझे भूख लग रही है। आ जा आजो भाई, भाई भाई से ईद मिलनी है भाई। आगे ईद मुबारक। क्या है मुबारक? ईद मुबारक। ईद मुबारक भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप काफी लेट हो गए भाई। भाई ईद मिलनी है इमरान हाशमी नहीं। भाई ईद मिलनी है यार, अच्छा दिन है भाई मेरा भाई। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बोलो बोलो खुश रहो। यार ये मिलने आ जाए। हमजा भाई, हमजा भाई किधर है? हमजा भाई, हमजा भाई ये सारा स्क्रिप्टेड व्लॉग है, मैं नहीं मानता। ये झूठ है, इन्होंने मुझे वादे दी कि आजो ईद मिलो फिर मैं आया था। अच्छा तो खैर अभी जी मैं लेने जा रहा हूँ जी बाहर से नाश्ता, क्योंकि घर वाले सब कह रहे हैं भाई बाहर का नाश्ता करेंगे, घर का खा खा के सबकी बस हो गई है। नान चने हो गए, हलवा पूरी हो गई, लोहरियों का ये नाश्ता जो है ना वो तो भाई छोड़ दो, लोहरी कुछ मिले ना मिले भाई, नाश्ता उन्होंने करना ही करना बाहर से। वैसे तो हमने जाना है भाई तायापू के घर, उधर जाके भाई रोटी छोटी खाएंगे, लेकिन उधर जाके रोटी जो है वो शाम को मिलेगी तो भूख भाई पेट भी तो है ना, इसको क्या करना है, इसको खाली रखना है, इसको बनने के लिए भाई थोड़ा बहुत तो कुछ चाहिए ना इसे। अच्छा चाबी निकाल लेते हैं भाई। हाँ सर घर पहुंच गए भाई, उधर बहुत ज्यादा रश था, वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। ये आ गया जी हमारा नाश्ता और भूख बहुत जोरों से लग पड़ी है, खा ले भाई, खाने के बाद मिलते हैं ठीक है। तो यार नाश्ता करके मैं सो गया था, लेकिन अभी भाई उठा था तो कोई 5 बजे उठा हूँ सुबह का, ऐसा सोया हूँ भाई। ये जो सी ईद उल फितर होती है ना ये भाई हमारे लिए तो सोने के लिए ही होती है, जो भी बंदा वैसे हमारे का नहीं, ये हर घर में ऐसा ही होता होगा भाई, सब भी बंदे सो जाते हैं मोबाइल ले, एक ही घर में आ जाता है मोबाइल ले भाई। स्नैचर आ गए, 500 रुपया पाना ही है तेरे को, टूट गए। मैं तुझे कह रहा हूँ इनसे पकड़ ले बच्चे के भाई, बच्चे के साथ ज्यादती कर रहे हैं, बच्चे के पिस्तौल पकड़ लिए उन्होंने। ये आपको यार है रहीम भाई? हाँ जी यार भाई, पूछो पूछो कितने की लेकर आए हैं, पूछो कितने की लेके आए हैं, कितने की लेके आए नहीं यार, हम लोग कितने की लगते हैं यार? मेरा ख्याल है कोई 50-60 या 70 रुपए की बड़ी पिस्तौल आए। ओ भाई हम भी यही कह रहे हैं 70 रुपए की, हम खुद लाते रहे हैं भाई, 450-450 रुपए की इतनी सी आए आए ठीक नहीं है यार। मैं क्या बता रहा था, इन्होंने मुझे जो से ना बातों को सारा इधर उधर कर दिया, मेरी बातें जो से वो सारी घुमा दी। ये देखिए इनके काम देखिए, अल्लाह बाप अल्लाह बाप। यार प्रेशर नहीं है इनका, प्रेशर नहीं रहा, 500 रुपया भी खर्चा है यार, प्रेशर भी नहीं लिया, 5 रुपए दो मेनू गुब्बारा ला के थानू ऐसा पैसा बना के दवा। ना यार आज में लग जाएगा भाई, यार पागल हो गया। कुछ कहना चाह रहे? हाँ जी सी भाई, इन बारे कैमरा बंद कर।
आप गली में ध्यान से फिरा करो, ये ना हो आपके सब्सक्राइबर आपको आपके फैंस फॉलो करते करते आपके पास आ जाए। घेरा पालन है, घेरा पालन नहीं, कोई सानू हाले कोई घेरा पालन वाला नहीं है। तो अभी देखेंगे भाई शाम को क्या सीन बनता है, प्लान श्लान कोई घूमने टूमने का बनता है कि नहीं, या फिर ऐसे ही भाई ईद होती है हमारी ऐसे ही गुजर फिर जानी है। तो मिलते हैं जी बाद में, ओके टाटा।